हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। स्पेशल करेक्टर्स जो फिशेज में पाए जाते हैं, आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इन फिशेज। द फिशेज आर वेरी मच स्पेशलाइज इन द एनिमल किंगडम इन बीइंग कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द बॉडी। अबाउट 250 स्पीसीज ऑफ फिशेज, बोथ कॉन्डिक्टीज कार्टिलेजनस फिशेज एंड ऑस्टिक्टीज बोनी फिशेज ऑफ फ्रेश एंड मैरिन वाटर टू नोन टू प्रोसेस द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। Most of these restrict to the tropical freshwater of South America and Africa. The cartilaginous and bony fishes are far related to each other and have probably evolved the electric organs independently of each other. Electric organs and fishes are highly specialized structures that enables their processors to generate, store or discharge the electric current. Electric fishes are conveniently divided into two टाइप्स, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रिक फिशेज एंड वीकली इलेक्ट्रिक फिशेज। तो इनमें जो है स्पेशल कैरेक्टर के रूप में ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के आधार पर हम दो भागों में इनको बांट सकते हैं। द डिस्चार्ज ऑफ ए स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रिक फिश इज ऑल्सो लार्ज दैट इज पेनफुल टू हैंडल द फिश। सच इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रिजोम्बली और डेमोन्स्ट्रेबली फंक्शंस एज वीपन आइदर डिफेंसली अगेंस्ट प्रीडेटर्स और ऑफेंसिवली इन सिक्योरिंग फूड। तो ये जो है प्रीडेटर्स के ढूंढने के लिए और जो है सिक्योरिंग फूड के लिए इनमें ये फंक्शन पाया जाता है। वीकली इलेक्ट्रिक फिशेज प्रोड्यूस पोटेंशियल दैट आर टू स्मॉल टू हैव वैल्यू ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली। देयर ऑर्गन्स फंक्शन पार्ट एन इलेक्ट्रोसेंसरी सिस्टम। फिशेज डिफेक्ट ऑब्जेक्ट बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे कॉज इन द फील्ड सेटअप बाय द इलेक्ट्रिक ऑर्गन। द सेंसिंग एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स। इलेक्ट्रोसेंसरी सिस्टम स्कैन फंक्शन इज कम्युनिकेशन बिटवीन फिशेज। बेनोट रिपोर्टेड दैट सम स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रिक फिशेज आर ऑल्सो वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। अब है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रिक फिश मस्ट हैव बीन नोन टू प्रिमिटिव मैन एंड टॉर्पिडो आर सेड टू हैव बीन यूज बाय रोमन्स इन ए प्रिमिटिव एंड प्रोबेबली सब convalescent from the shock therapy. Recognition that discharge was electric comes soon after the study made by Leisman 1951. Nature of electric organs of fishes. तो बेनोट ने 1970 में बताया कि इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर मॉडिफाइड मसल्स फाइबर एक्सेप्ट इन द स्टेनेचेट्स एंड द जीमोटेट्स। इन द स्टेनेचेट्स द मायोजेनिक पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स हैव बीन लॉस्ट एंड द ऑर्गन इज मॉडिफाइड फ्रॉम नर्व फाइबर्स इट इज न्यूरोजेनिक। अब व्हाट आर इलेक्ट्रोसाइट्स। इन ए नंबर ऑफ डिसीज द इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सेल्स आर फ्लैटन एंड फॉर दिस रीजन दे हैव बीन टर्म इलेक्ट्रोप्लेक्स और इलेक्ट्रोफ्लेट्स और इलेक्ट्रोफ्लेक्स। However, in many of the more recently described organs, the generating cells are quite complex shapes, although electroplexed silk still seems a natural term for flattened cells which generate electric. Bennett 1970 has introduced the more general term, the electrocyte, to refer to an electric generating cells of whatever shape. Electric organ in fishes generally are reflects gelatinous and a large function and their volume is extracellular space. They contain a considerable amount of connective and other accessory tissue as well as blood vessels and motor nerves that regulate the discharge. The connective tissue play an important role in channeling the flow of current. Now how electrolytes function, this prakar se function karte hain. Electrolytes platform their function on the same general principles as ordinary nerve and muscle cells. Potentials are generated across membranes. In all known cases, the potential result from selective permeability and passive movement of ions down their concentration gradients are a source of origin of electric organs. The electric organs of all the fishes are formed by modifications of muscle fibers. Exception to this are स्टर्नेचिट्स इन विच द इलेक्ट्रिक ऑर्गन टेक इट्स ऑरिजन फ्रॉम द नर्वस टिश्यू। इन स्केट्स इलेक्ट्रिक ईल्स एंड इन मॉर्मिरिड्स जिम्नेकर्स एंड मॉर्मिकस द इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज डिराइव्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ टेल मसल्स इन रेज फ्रॉम ब्रैंकियल मसल्स। तो इनमें अलग अलग मसल्स जो हैं अलग अलग
इलेक्ट्रिक ऑर्गन के रूप में मॉडिफाइड हो जाती हैं। फिश फ्रॉम बॉडी मसल्स एंड इन स्टार गेजर डिराइव फ्रॉम द आई मसल। द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ कैटफिश आर दो टू हैव बीन डिराइव फ्रॉम द नेस रादर देन द मस्कुलर टिश्यू। तो अब इनमें जो है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स किस किस रूप में पाए जाते हैं, जैसे मॉर्मिट्स में जो है फ्रेश वाटर वीकली इलेक्ट्रिक एमिट पल्सेस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। जिमनार्कस में फ्रेश वाटर वीकली इलेक्ट्रिक पल्सेस कंस्टेंट फ्रीक्वेंसी में इवन केसेस। इलेक्ट्रिक ईल में फ्रेश वाटर हैव बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। जिमनोटस में फ्रेश वाटर वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स में डिस्चार्ज कंटिन्यूसली दी कंस्टेंट फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रिक कैटफिशेज में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो इमीडिएटली एक्टिव होता है। स्टार गेजर में भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है और इमीडिएटली एक्टिव होता है। रेज में और स्किड्स में भी इसी प्रकार के इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब है अकरेंस अबाउट 250 स्पीसीज ऑफ कार्टिलेजिनस एज वेल एज बोन फिशेज ऑफ फ्रेश मेराइन वाटर्स आर नोन टू प्रोसेस इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। इंपॉर्टेंट अमंग देम आर इनसाइड इन टेबल वन। मोस्ट ऑफ दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर ऑफ साउथ यूएसए एंड अफ्रीका। मेराइन फॉर्म्स आर वेरी लिमिटेड एंड इंक्लूड दी टॉर्पिडो रे। द रे जीनस नॉर्क्सिन एंड सम स्किड्स अमंग दी इलास्मोबैंक्स एंड ओनली दी स्टार गेजर्स अमंग दी टीलियोस। अब ए लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इन डिफरेंट फिशेज। द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स वेरीज। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रिक ईल सच एज इलास्मो इलेक्ट्रोफोरस एंड जिम्नोथस एंड ऑल्सो इन स्टर मार्कस। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स एक्सटेंड लेटरली अलॉन्ग ऑन ईच साइड फ्रॉम एंड ऑफ द टेल टू ट्रंक रीजन इन टॉर्पिडो। दीज लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड बिटवीन द गिब्स एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ पेक्टोरल फिन एंड आर इनर्वेटेड बाय नर्व्स कनेक्टेड बाय द ब्रेन। इन राजा ग्नेथोनीमस एंड जिम्नार्कस इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर कन्फाइंड ओनली इन द टेल एंड रिसीव नर्व सप्लाई फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। द एस्टोकॉर्पस दे आर लोकेटेड बिहाइंड द आईज ऑन ईच साइड इन द फॉर्म ऑफ पैचेस मोर यूजुअल इन द अफ्रीकन कैटफिशेज। दे आर सिचुएटेड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। अब ए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। दो द शेप एंड पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेज वेरी ग्रेटली है। ऑल ऑफ देम हैव मोर और लेस ए सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर। ईच ऑर्गन इज कम्पोज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्क शेप सेल्स कॉल्ड इलेक्ट्रोसाइट्स एम्बेडेड इन ए जेली लाइक एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। दीज आर बाउंड टूगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू इन टू एन इलोंगेटेड ट्यूब और कंपार्टमेंट। वन फेस ऑफ ईच इलेक्ट्रोसाइट इज सप्लाइड बाय नर्व फाइबर्स एंड द जेली रिसीव्स ब्लड कैपिलरीज। ईच इलेक्ट्रोसाइट इज मल्टी न्यूक्लियर सेल हैविंग नियरली ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म। देयरफॉर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स अपीयर लाइक ए क्लियर जिलेटिनस मास एज कंपेयर टू द मसल्स। द इलेक्ट्रोसाइट्स रिप्रेजेंट्स करेक्टरिस्टिक फोल्डिंग एंड कन्वोल्यूशन ऑफ आइदर वन और बोथ द बोथ इट्स सरफेस। यूजुअली द नर्व एंड इज स्मूथ वाइल द नॉन नर्व फेस बियर्स लार्ज पैटर्न। दिस प्रूव्स टू एडेप्टेशन टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बाय लोअरिंग द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द इलेक्ट्रोसाइट्स ड्यू टू इंक्रीज इन द टोटल मेम्ब्रेन एरिया। डिफरेंसेस इन द मेड ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन नर्व्स एंड इलेक्ट्रोसाइट्स हैव बीन ऑब्जर्व इन वेरियस इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसिंग फिश स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल इन टॉर्पिडो द नर्व ब्रांच रिपीटेडली एंड एक्सटेंड ऑलमोस्ट ओवर द होल सर्फेस ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेट। इन साउथ अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड इन विच द नर्व्स एंड ओन ए नंबर ऑफ शॉर्ट पैपिली। इन मॉर्मिरस द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आर फर्दर रिड्यूस्ड वाइल इन अफ्रीकन मेलाप्टेरस इलेक्ट्रिक्स द कॉन्टैक्ट इज वन पॉइंट ओनली। आगे हम ये पढ़ रहे थे इसका समझना और इसके आगे हम इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के बारे में दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।